नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम बात करने वाले हैं टिक टिक नॉइस के ऊपर। एक्चुअल में टिक टिक नॉइस कई तरह की है और हो सकता है कि हमने इससे पहले इस टॉपिक को कवर भी किया हो, तो मेक श्योर आपको ये समझना जरूरी है कि टिक टिक नॉइस है कैसी और इसको कैसे फाइन करेंगे और इसका सोल्यूशन क्या है। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम ये देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ है और इसका सोल्यूशन क्या आपको मिला या नहीं मिला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे पास है इलेक्ट्रा 2012 मॉडल और इसके अंदर जो नॉइस की प्रॉब्लम है या टिक टिक नॉइस की प्रॉब्लम कुछ भी कह सकते हैं, है तो आवाज़ ही। चलो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम आपके साथ है या नहीं। ओके, देखिए यहाँ पे एक नॉइस आ रही है पर जैसे हम ये एक नॉइस आ रही होगी शायद आपको, पर देखिए आरपीएम बढ़ाने पे ये नॉइस खत्म हो जा रही है और ये नॉइस कोई ज़्यादा मतलब आरपीएम हमारा कोई ज़्यादा कम भी नहीं है। हो सकता है कि अगर कम आरपीएम हो जैसे कि 600-700 आरपीएम से कम नहीं होना चाहिए और ये उससे ज़्यादा ही है, फिर भी वो नॉइस आ रही है और ये नॉइस आपके साथ है तो इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले खोलते हैं इसका आरएच कवर और देखते हैं समस्या का समाधान कहाँ निकलेगा।
थोड़ा सा साइड को उधर की साइड ले जाओ, जिससे एंगल साइड का सही आएगा ना। तो अभी तक का आपने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देखा होगा क्योंकि इतनी चीज़ हमने पहले खोल रखी है, पर अभी हम पॉइंट पे बात करेंगे कि वो स्प्रिंग या वो आवाज़ या वो साउंड कहाँ पर है। उसके लिए मेरे को ये प्लेट खोलनी पड़ेगी और इस प्लेट के अंदर ही हमारे सवालों का जवाब छिपा है। और इसके बाद यहाँ पर रहता है ये डीकम्प्रेसर। अब इसको मैं ज़रा गौर से और नज़दीक बिल्कुल दिखाता हूँ ले जाके, और आप समझ जाएंगे कि मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है। एक्चुअल में थोड़ा सा टाइम लेते हैं एक बार, इस जगह से आप शायद अच्छे से समझें। देखिए ये वाला जो बोल्ट है ये ढीला पड़ा है, दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ढीला हो रखा है। अब इसको हम देखते हैं टाइट करके, क्या ये टाइट होता है। देखिए देखिए दिख रहा है ना, ये हिल रहा है। अब हम इसको टाइट करके देखेंगे, टाइट होने के बाद भी हिलता है या नहीं हिलता है। दिख रहा है ना हिलता हुआ, ठीक है। अब इसको टाइट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इसको एलन की से टाइट करके, ये टाइट होता है। देखिए कितना ढीला पड़ा है, और अब ये हो गया है टाइट। और अब हम देखेंगे कि ये जो स्टेम हिल रहा था अब हिल रहा है या नहीं। देखिए ये तो हिलेगा क्योंकि ये डीकंप्रेसर है, पर जो ऊपर नीचे की प्ले थी मतलब उस टाइम जो ये हिल रहा था, देखिए हिलना हो गया बिल्कुल बंद। अगर ये मतलब नट टाइट होता और फिर भी साउंड आती तो एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग इसके अंदर लगता है। मैं वो स्प्रिंग दिखाता हूँ कि वो स्प्रिंग किस तरह का होता है। अगर मतलब हमारा वो नट टाइट रहता फिर भी अगर आवाज़ करता तो हमें डालना पड़ता ये वाला स्प्रिंग। अब ये स्प्रिंग देखिए इतना छोटा है, ये स्प्रिंग ख़राब हो जाता है तब भी टिक टिक आवाज़ आती है। अगर इस स्प्रिंग को आप शोरूम से लेंगे तो इसको बोलेंगे डीकंप्रेसर का स्प्रिंग दे दो भाई, सिंपल। और ये बिल्कुल मात्र 10 या 20 रुपये का होगा, अगर आफ्टर मार्केट मतलब शोरूम से बाहर खरीदेंगे तो 30-40 रुपये का हो सकता है। तो आप उसको फिट करते हैं दोबारा और देखते हैं वो साउंड बंद हो या नहीं।
अब हो गया है काम कंप्लीट। काम कंप्लीट करने के बाद एक बार ना पहले कपड़ा मार लें, क्योंकि ऑयल के हाथ पैर लग जाते हैं, हाथ लग जाते हैं, पैर तो क्या लगेंगे, तो वो धब्बे लग जाएंगे, निशान लग जाएंगे। इसलिए साइलेंसर को, ब्रेक पैंडल जो हमने खोले हैं, अच्छे से एक बार कपड़ा मार लेते हैं। और अब देखते हैं क्या वो नॉइस जो पहले आ रही थी या टिक टिक नॉइस थी पहले, वो अब रही या नहीं रही। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए कैमरे को और स्टार्ट करते हैं। तो आप वो साउंड जो पहले आ रही थी, वो फर्क आपको महसूस हो गया होगा, जो पहले एक आवाज़ आ रही थी और जो मेरे साथ जो इसकी गाड़ी के ओनर हैं वो खुद बताएंगे कि नॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। सिर्फ आप ये बताओ कि जो पहले आपने फर्क आपकी गाड़ी में था, कुछ है इम्प्रूवमेंट? हाँ, काफ़ी फर्क है ना, सिर्फ एक छोटा सा स्क्रू ढीला होने से भी फर्क आ गया ना। तो यही था फिलहाल के वीडियो में, इतना ही है वीडियो। अब मेरे ख्याल से जो था बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने बिल्कुल लाइव बनाया गया इसको रिकॉर्ड, ठीक है, हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखी गई है। और देखिए खुद चेक कर रहे हैं उसको, ओके रिपोर्ट। तो यही है फिलहाल वीडियो में, इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।